नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चंबल घोष्ट न्यूज चैनल। चंबल घोष्ट न्यूज चैनल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। अवैध रेत से भरा ट्रैक्टर के चालक को किया गिरफ्तार। धौलपुर में बजरी से भरे ट्रैक्टर की चपेट में आने से 3 महिला मजदूरों की मौत होने के बाद पुलिस पुख्ती दिखाते हुए हादसे के दूसरे दिन पुलिस ने अवैध रूप से चंबल की बजरी परिवहन करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके चलते थाना कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र होने के वजह से सुप्रीम कोर्ट ने चंबल से बजरी निकालने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बाद भी कुछ माफिया अवैध तरीके से बजरी का दोहन कर रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड चौकी पर कोतवाली पुलिस ने मंगलवार शाम को पुलिस लाइन के पास रेलवे क्रॉसिंग से बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा था। इस दौरान ड्राइवर मौके से भाग निकला। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने बुधवार सुबह फरार ड्राइवर को 100 फुट रोड से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि माफिया जितेंद्र पुत्र अजमेरी लाल मनिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। धौलपुर राजबाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। विधायक मलिंगा कल हो सकते हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। सदर थाना पुलिस बड़ी मात्रा में अवैध शराब सहित 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले के सदर थाना पुलिस व DST टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध शराब सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस टीम ने उप निरीक्षक हेमराज व मैं थाना जाप्ता व DST टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बिरौंदा रोड स्थित अवैध शराब के ठेके से देसी व अंग्रेजी शराब के 152 कार्टून जब्त किए, जिसमें कुल 5,349, जिनमें 1,032 बियर बोतल, 1,869 अंग्रेजी शराब के पौवे व 2,248 देशी शराब के पौवे व अंग्रेजी की बिक्री से प्राप्त 22,600 रुपये बरामद किए। इस दौरान पुलिस ने निरंजन पुत्र चरण सिंह निवासी सूबेदार का पुरा व ब्रजराज पुत्र केशर सिंह निवासी सूबेदार का पुरा थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया। उक्त दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर कार्रवाई की जारी है। कल जिला स्पेशल टीम को एक सूचना मिली थी कि जाटोली ग्राम पुलिस थाना सदर के अंदर कुछ व्यक्ति अवैध शराब का धंधा कर रहे हैं। उसको तस्दीक करने के लिए जिला स्पेशल टीम व सदर थाने की पुलिस जाटोली ग्राम गई और वहाँ से 2 व्यक्ति निरंजन और ब्रजराज को अवैध शराब का धंधा करते हुए गिरफ्तार किया। उनके पजेशन से 1,032 बियर की बोतलें, 1,869 अंग्रेजी शराब के पौवे और 2,248 बोतल देसी शराब के पौवे जब्त किए हैं। सेल्समैन के साथ में उनके जो ये मालिक था, जो ये अवैध धंधा करवा रहा था आकाश नाम से, उनके खिलाफ भी हमने FIR की है। आगे का अनुसंधान चल रहा है। राजस्थान के धौलपुर जिले में निःशुल्क पौध वितरण कार्य को माना प्रेरक। धौलपुर अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के होटल सॉलिटेयर में आयोजित हुई। जूम ऐप के जरिए देश के विभिन्न सभाओं के पदाधिकारियों ने भाग लिया। देश के विभिन्न प्रांतों जिलों में लगभग 50 दर्जन कुलश्रेष्ठ सभाएं कार्यरत हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रेश नारायण कुलश्रेष्ठ, महासचिव पीयूष कुमार कुलश्रेष्ठ व कोषाध्यक्ष कृष्णकांत कुलश्रेष्ठ की ओर से गत बैठक के कार्यवाही विचार कराया गया। विभिन्न सभाओं के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की मदद कराने, विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य, गंभीर बीमारी होने पर जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहयोग दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उपाध्यक्ष सामाजिक सेवा अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा से अवगत कराया कि धौलपुर जिले से इस बैठक में नत्थीलाल कुलश्रेष्ठ सेवानिवृत्त निजी सहायक वाणिज्यकर विभाग एवं महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ सेवानिवृत्त तहसीलदार का राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में स्वागत करते हुए सम्मानित किया गया। राजस्थान प्रांत के धौलपुर जिले में पर्यावरण संरक्षण एवं मानव जीवन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कुलश्रेष्ठ सभा धौलपुर के द्वारा किए जा रहे निशुल्क पौधे वितरण के कार्य की सराहना की गई।
उल्लेखनीय है कि कुलश्रेष्ठ सभा धौलपुर की ओर से 1 जुलाई 2021 से निरंतर 8,000 पौधों का वितरण अब तक किया जा चुका है। मातृशक्ति दिव्य चेतना जागृति को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में बसेड़ी रोड पर स्थित मथुरा पैलेस में विश्व हिंदू परिषद के जिला मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पारासर के नेतृत्व में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बेहिप के जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी जी ने की, जिसमें मुख्य अतिथि माता साध्वी सर्वे सरस्वती जी रही। बैठक संचालन कर्ता गिरीश कुमार शर्मा ने उपस्थित समस्त सत्य सनातन धर्म प्रेमियों को माताजी साध्वी सर्वे सरस्वती जी एवं जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी जी का परिचय कराया। इसके बाद उपस्थित समस्त भक्तजनों को ने अपना अपना परिचय दिया और बैठक आरंभ की गई। बैठक में माताजी साध्वी सर्वे सरस्वती जी ने भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया। पिता माता की जीवन की जीवन तक संचालन दारा सिंह, चेतन प्रकाश शर्मा, मिथिलेश शर्मा, जयश्री नितिन शर्मा, मुकेश, अनिल, भरत शर्मा, कई लोग उपस्थित हुए।